From zero, right from scratch, how can you prepare for this exam? That is what we are going to discuss in this video. This is going to be a very very important video for you because I'm going to give you a day-to-day -day schedule here. I'm also going to give you um, a sequence just make through own schedule. Bana sakte Not only that, we are going to discuss the syllabus, we are going to discuss about the books, and I'm also going to discuss the most asked question that can I start now and should I start now? Do I have enough time? What should I do if I want to start now? So I'm going to answer all your queries in this video, right? So let's get started with today's session. Yeah, guys, welcome to Logiri. I hope you're subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification <coughs> so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Logiri. We do pretty motivational stuff. Out there, if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram.

एंड रिविजन कर पाएंगे मॉक टेस्ट कर पाएंगे तो आप सभी स्टेजेस जो हैं एक एग्जाम में रिक्वायर्ड है उसके अंदर बड़े आराम से आप अपना यू नो पढ़ाई कर पाएंगे यू विल एबल टू स्टडी राइट सो वॉट वी नीड टू डू नाउ दैट यू नीड टू स्टडी ओनली वॉट इज नेसेरी फॉर स्कूल एग्जाम ओके फॉर स्कूल एग्जाम्स यू आर इन ट्वेल्थ नाउ सो वट एवर इज नेसेसरी स्टडी दैट ओनली डोंट गो फॉर समथिंग एक्स्ट्रा फॉर स्कूल एग्जाम्स कैन फोकस अ लिटल ऑन डोमेन सब्जेक्ट फॉर सी यू आर प्लानिंग टू गिव सी ऊटी दैट इज द

Okay, now you should focus on CLAT and CLAT only, and you should know the syllabus of CLAT, and you should focus on the syllabus and the topics of CLAT only till December 2022. Right? So, only focus on CLAT. That is what I want from you. एंड वेन इट कम्स टू टाइम मैनेजमेंट ओके सो मिनिमम टाइम जो आपको देना पड़ेगा क्लाट को ठीक है ना मिनिमम टाइम दैट इज एवरी डे यू शुड गिव मिनिमम थ्री आवर्स इफ यू कैन गिव फोर आवर्स दैट इज ग्रेट लाइक इफ यू कैन गिव फोर आवर्स दिस इज ग्रेट मिनिमम थ्री आवर्स एवरी डे इज रिक्वायर्ड दिस इज मिनिमम Right, if you can give five hours, five hours plus also, that is great. But minimum three hours, and what is great is four hours. Like if you are giving four hours, that is great because for one one and a half hours you can read the newspaper, and for the other time that you have, that is one one and a half hours more that you have, or two hours that you have, you can cover a topic of any one subject. Right. तो ये आपका टाइम मैनेजमेंट रहेगा और ये आपसे रिक्वायर्ड है ये ये मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि स्कूल की तरफ थोड़ा कम ध्यान दें एंड क्लर्ट की तरफ जो है वो ज़्यादा ध्यान दें बिकॉज अदरवाइज ऑल्सो अगर आपका जो डेली यूनिवर्सिटी का एम होगा बी ए बी कॉम बी बी ए के लिए जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो करी हुई है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा सी यू ई टी के लिए ठीक है ना तो उसके लिए भी आपको पढ़ना तो डोमेन सब्जेक्ट्स ही हैं ठीक है ना तो आप डोमेन सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं क्लर्ट के साथ साथ बट बाकी सारे सब्जेक्ट्स को अभी मत उठाइए जो स्कूल सब्जेक्ट्स हैं ठीक है

जब लीगल रीजनिंग की बात करते हैं हमारा एम है वी शुड बी कम्फर्टेबल विद लीगल लैंग्वेज कंफर्टेबल विद लीगल लैंग्वेज दैट इज द इन की हमें कंफर्टेबल होना चाहिए कोई जब लीगल लैंग्वेज हमारे आगे आए तो हम उसको पढ़ पाए तो उसके लिए क्या करना है वी हैव टू रीड द बेसिक्स ऑफ लॉ नाउ बेसिक्स ऑफ लॉ इंक्लूड टॉपिक्स लाइक दैट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्रिमिनल लॉ कॉन्ट्रैक्ट्स ठीक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा अपना कोर्स भी है आप वो भी बाय कर सकते हैं उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग की बहुत बहुत मदद मिलेगी बहुत ही अच्छा कोर्स है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक दैट आउट ठीक है अब ये बुक कौन सी में से पढ़ना है आपको ये सारे टॉपिक्स आपको विली की बुक में से पढ़ लेने चाहिए ठीक है ना अगर

नहीं होने वाला है हमें अंडरस्टैंड करने का बेनिफिट होने वाला है जिसको हम समझकर एनालाइज कर सके और क्वेश्चन का आंसर दे सके समझ रहे हो तो ये बात है एंड फॉर मोर क्लैरिटी यू शुड वॉच माय वीडियो दैट इज लीगल रीजनिंग का वीडियो मैंने करा हुआ है बहुत ही बेसिक वीडियो है जिसमें मैंने आपको सिखाया हुआ है कि लीगल रीजनिंग का सबसे पहले तो क्वेश्चन कैसा होता है ठीक है और उसको सॉल्व कैसे करना है ये मैंने आप वहाँ पे बात करी हुई है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा वो जरूर चेकआउट करें तो लीगल रीजनिंग के लिए आप पहले ये लीगल रीजनिंग की वीडियो चेकआउट करें क्लार्क का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जिसका अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा वो चेकआउट करें ठीक है ना एंड देन यू स्टार्ट विद योर लीगल रीजनिंग विली जो बुक है वो कर सकते हैं ए पी भारद्वाज अगर है उसमें से भी आप कर सकते हैं बुक का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा क्लियर है स्टेप वन क्या है स्टेप टू की बात करते हैं तो स्टेप टू के अंदर मैं कह रही हूँ रीडिंग न्यूज़पेपर एंड अंडरस्टैंडिंग लीगल कॉन्सेप्ट्स अब क्या है देखिए हमने पीछे बात करी दैट आप टॉट्स पढ़ लीजिए आप कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ लीजिए ठीक है आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए क्रिमिनल लॉ पढ़ लीजिए बट हमने एम क्या सेट किया था हम ये क्यों पढ़ रहे हैं ताकि हमें लीगल लैंग्वेज समझ में आ जाए ताकि हमें लीगल लैंग्वेज का जो बेसिक्स हैं वो हम उनके साथ कंफर्टेबल हो जाए ठीक है ना गेटिंग कंफर्टेबल ये इसलिए हमारा एम ये है ना मतलब ये कि जरूरी नहीं है कि जो हमारे क्वेश्चन होंगे एग्जाम में वो इन्हीं टॉपिक्स में से आएंगे नहीं जरूरी नहीं है कि टॉर्च क्रिमिनल लॉ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्रिमिनल लॉ में से ही आए जरूरी नहीं है ठीक है ना बाई चांस आ भी सकते हैं बट हंड्रेड परसेंट श्योरिटी नहीं है कि इन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन आएंगे फिर क्या करा जाए तो यहाँ पे तो हम लीगल लैंग्वेज से अपना कंफर्टेबल हो गए तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम न्यूज़पेपर में जो लीगल न्यूज आती है ठीक है ना जो लीगल करंट अफेयर्स भी जिनको हम कहते हैं हम उनकी भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखे अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखे लर्निंग नहीं अंडरस्टैंडिंग रखे फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2022 की बात करें तो दो लॉज के बारे में हर रोज ऑलमोस्ट बात होती रही है वो है सजेशन ठीक है और दूसरा लॉ है मैरिटल रेप ठीक है ना इन दोनों पे बार, बार 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 बात होती रही है तो ठीक है ना क्योंकि ये लॉ से रिलेटेड है सजेशन जो है आपका सेक्शन 124 ट्वेंटी फोर ए आई बी है का है ना तो इसके बारे में बार बार बात होती रही है तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लर्निंग नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा कि सजेशन कौन से अंडर दिया हुआ है अंडर विच सेक्शन तुम्हें मतलब इसको करते हुए करो, ठीक तो है ना? ऐसा क्वेश्चन देखते हैं कोई का देखते हैं, तो हम उसकी भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखेंगे ताकि अगर एग्जाम में क्योंकि चांसेस ये या तो, 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 तो टॉर्च कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर जो लीगल करंट अफेयर है उसके ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चन ये लोग हमसे पूछ सकते हैं तो अगर हम उनकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा तो अगेन अंडरस्टैंडिंग है नॉट लर्निंग तो ये वाली ये वाला जो पॉइंट है ये आपने अपने दिमाग में क्लियर रखना है कि नॉट लर्निंग ओनली अंडरस्टैंडिंग इसके लिए आप मेरी लीगल करंट अफेयर्स की वीडियोस भी देख सकते हैं तो मंथ के अंदर लॉगरी पे थ्री वीडियोस आती हैं ठीक है ना क्या आती हैं थ्री लीगल करंट अफेयर्स वीडियोस आती हैं तो वो आप देख सकते हैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ये वीडियोस बिल्कुल फ्री के अंदर आपको मिलती है हाँ अगर आपको इनके पी चाहिए तो वो पेड है बट वीडियोज़ बिल्कुल फ्री में मिलती है आप खुद से इसके नोट्स बना सकते हैं यूट्यूब पर अवेलेबल है लॉगरी पर अंडरस्टैंडिंग एनी लीगल न्यूज इन न्यूज़ पेपर और मैगजीन अब आप कोई लीगल वर्ड खुद से पढ़ रहे हैं न्यूज़ पेपर और वहां पर आपको कोई लीगल वर्ड मिल जाता है तब भी मेक श्योर करें कि आप उसको समझने की कोशिश करें नहीं तो जो मेरी लीगल करंट अफेयर्स की वीडियोज है उसमें तो मैं एक्सप्लेन करती ही हूँ तो आपको क्लैट के लिए अंडरस्टैंडिंग चाहिए लर्निंग नहीं चाहिए अनलेस एंड अंटिल मैं उस वीडियो में स्पेसिफिकली नहीं बोल रही हूँ जो क्लैट वाले बच्चे हैं वो याद कर लें यह चीज़ क्योंकि देन मेरा माइंड ये चल रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा लीगल की तरफ है बट मेजरली कर करंट अफेयर्स की तरफ है तो क्या पता इसमें से क्वेश्चन आ जाए ठीक है तब याद करना नहीं तो अंडरस्टैंडिंग ओके स्टेप थ्री जो आपका है वो है प्रैक्टिसिंग लीगल रीजनिंग क्वेश्चंस देखिए आपको हमेशा हमेशा याद रखना है जब आप क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो कि अंडरस्टैंडिंग के अंदर हम थ्योरी पढ़ रहे हैं ठीक है ना अंडरस्टैंडिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं थ्योरी पढ़ रहे हैं ठीक है थ्योरी पढ़ते हुए हम मार्क करेंगे ठीक है नोट्स बनाएंगे ताकि हम यहाँ से बुक के अंदर ही मार्क करेंगे सब कुछ अंडरलाइन करेंगे ठीक है पॉइंटर्स नोट कर लेंगे ताकि हम रिवाइज कर सकें ठीक है ना और उसके बाद जो हमारा बिल्कुल नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है प्रैक्टिस अब बहुत बच्चे क्या होते हैं वो क्या कहते हैं या तो डायरेक्टली प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर देते हैं या फिर डायरेक्टली थ्योरी पढ़ कर कहते हैं कि देखो जी हमारा काम खत्म नहीं आपको ये तीनों ही स्टेप्स करने हैं और चौथा स्टेप जो इसमें ऐड करना है वो करना है टाइम मैनेजमेंट क्या ऐड करना है टाइम मैनेजमेंट ठीक है ना कि आपको जब टाइम मैनेजमेंट की बात हम थोड़ी देर में करेंगे कि वो कैसे सीखना होता है टाइम मैनेजमेंट मतलब अगर आपको पता है कि इंग्लिश में फाइव आर सीज आएंगे तो आपको अपनी स्पीड जो है वो थर्टी मिनट्स के अंदर फाइव आर सीज की स्पीड बनानी पड़ेगी ठीक है ना अगर वो स्पीड नहीं है आप पेपर नहीं कम्प्लीट कर पाओगे तो ये सारे स्टेप्स आपने दिमाग में रखना है ये हर सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है तो प्रैक्टिसिंग लीगल रीजनिंग क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है अब अगेन जो मैंने वीडियो करी हुई है वो आप देख सकते हैं लीगल रीजनिंग वाली और आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स बाय करने हैं क्लैट और एलेट के विद आंसर्स और वहां से आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है बच्चों की वो ये आती है कि दी 2020 में पैटर्न जो था वो न्यू पैटर्न आ गया था और जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो ओल्ड पैटर्न के हैं तो अगर हम न्यू ओल्ड पैटर्न प्रैक्टिस करेंगे तो क्या हेल्प करेगा येस येस क्लैट की गाइडलाइंस खुद कहते हैं कि अगर आप ओल्ड पैटर्न प्रैक्टिस करोगे तब भी आपको हेल्प करेगा जब हम बात करते हैं लीगल एप्टीट्यूड की लीगल रीजनिंग की ठीक है ना तो हम लीगल रीजनिंग जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर्स में से प्रैक्टिस करेंगे एंड अगर हमें कोई बुक मिलती है जिसमें न्यू पैटर्न है या मुझे भी कोई बुक मिलेगी तो आई विल रेफर दैट बुक फॉर श्योर बट अभी हम ओल्ड पैटर्न की जो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से है वहाँ से हम प्रैक्टिस करेंगे क्लियर है इस बात पे तो प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है मैंडेटरी है प्रैक्टिस करनी बिकॉज जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी और उतनी ही आप जितने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा ठीक है हाउ टू स्टडी फॉर जनरल नॉलेज जनरल नॉलेज के लिए कैसे पढ़े देखिए जनरल नॉलेज के अंदर आपको जो मैं यहाँ पे मिस्टेक्स जो बता रही हूँ जो बच्चे कमिट करते हैं वो करते हैं कि वो स्टैटिक जीके पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं स्टैटिक जीके देखिए स्टैटिक जीके के आपके टॉपिक्स होते हैं हिस्ट्री जोग्रफ़ी साइंस ठीक है history, Deekhe, तो ये जो है ये आपको नहीं पढ़ने अब क्या मतलब अगर हिस्ट्री जोग्राफ़ी साइंस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड न्यूज़ है तो हमें वो भी नहीं पढ़नी है क्या दीदी नहीं मैंने ये कब बोला देखिए बुक्स आती हैं जिसके अंदर आपको ये टॉपिक्स दिए होते हैं कि ये हिस्ट्री है तो वो पुरानी हिस्ट्री पूरी डिस्कस करी होती है फिर जोग्रफ़ी की uh, इस कंट्री को इस नाम से बुलाया जाता है ये ये लाइंस हैं साइंस के बारे में बताया होगा डिजीज़ के बारे में बात होगी ठीक है ना तो ये सारा होता है तो हमें ये नहीं करना है इन बुक्स में हमें नहीं जाना है तो इन बुक्स के लिए अगर साटिक जी के आप पढ़ रहे हो तो आप मे बी ल्यूसेंट्स की बुक पढ़ रहे होगे अरिहंत की बुक पढ़ रहे होगे या पियर्स की बुक पढ़ रहे होगे फॉर क्लाट आपको ये बुक्स पढ़ने की नहीं ज़रूरत है यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर क्वेश्चन कहाँ से आएगा क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स में से आएगा जो करंट इवेंट्स हो रहे हैं उसमें से आएगा कोई भी करंट इवेंट है उसमें से आ सकता है चाहे वो नेशनल है चाहे वो इंटरनेशनल है चाहे वो स्पोर्ट्स रिलेटेड है चाहे वो इकोनॉमी से रिलेटेड है चाहे वो अवार्ड्स हैं चाहे वो गवर्नमेंट स्कीम है ठीक है इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए जो करंट अफेयर्स आपके आसपास पास हो रहे हैं चाहे वो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए ठीक है ना और इसकी बैकग्राउंड भी पता होनी चाहिए ठीक है ना बैकग्राउंड में से भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं ठीक है क्योंकि स्ट्रेटेजी के नहीं आ रही तो वो कह रहे हैं कि जो करंट इवेंट्स हो रहे हैं उनकी बैकग्राउंड में से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं फॉर एग्जाम्पल यूक्रेन और रशिया की वॉर ठीक है ना यूक्रेन और रशिया की वॉर क्योंकि ये करंट इवेंट है तो हमें इसका पूरा अच्छा बैकग्राउंड पता होना चाहिए बिकॉज क्लैट वाले हमें इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं ठीक है ना तो ये वो क्लियरली अपनी गाइडलाइंस में कह रहे हैं कि बैकग्राउंड में से करंट इवेंट्स की बैकग्राउंड में से क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं स्टैटिक जी हम नहीं पूछेंगे मतलब करंट इवेंट से रिलेटेड स्टैटिक जीके पूछ सकते हैं पर वो स्टैटिक जीके के की बुक पूरी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है इससे अच्छा आप करंट अफेयर्स पढ़ें न्यूज़पेपर में से अच्छे से पढ़ें और जिस मैगजीन में अच्छी बैकग्राउंड रिसर्च करी हुई है टॉपिक्स की करंट इवेंट्स के टॉपिक्स की वो पढ़ें ठीक है समझ में आ गया अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो कमेंट डाउन बिलो आई विल एक्सप्लेन बट हमें गलत टॉपिक्स नहीं उठाकर पढ़ने हैं गलत टॉपिक्स पढ़ेंगे तो टाइम वेस्ट होगा पेपर में जाके हैरान परेशान हो जाओगे कि ये पढ़ा मैंने बट ये आया ही नहीं क्योंकि वो था ही नहीं सिलेबस में ठीक है ना तो जनरल नॉलेज का अब हम जनरल नॉलेज कवर कैसे करेंगे देखो सबसे पहला स्टेप रीडिंग न्यूज पेपर एवरी डे तो स्टेप वन क्या है न्यूज पेपर एवरी डे अब इसमें जो क्वेश्चन आता है, बच्चों का, वो आता है कि हमारा से लेकर डिसम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी टू की न्यूज हमें कवर करनी है for 2023. बिल्कुल सही का. तो हमारा तो जानवरी से लेकर मे तक का मे ट्वेंटी ट्वेंटी टू न्यूज का न्यूज पेपर जो है वो मिस हो गया तो अब हम आगे पढ़कर क्या करेंगे ना आगे पढ़कर हम जून से दिसंबर भी क्यों न्यूज पेपर पढ़े तो हम न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं मतलब तुम लोग बहाने ढूंढ रहे हो कि हमें न्यूज़पेपर ना पढ़ना पड़े देखो यार न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत बहुत, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन ही नहीं उस पर डिपेंड करता है क्योंकि करंट अफेयर का आपका एट्टी टू एटी फाइव परसेंट जो है आपका वो न्यूज़पेपर में से ही क्वेश्चन आएंगे और वहाँ से आपको और भी बेनिफिट्स मिलते हैं जैसे कि रीडिंग स्पीड ठीक है ना जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको रीडिंग स्पीड आपकी बढ़ती है नंबर वन नंबर टू आपकी वोकेबलरी भी इंक्रीज होती है नंबर थ्री आपको एनालिसिस भी करना आता है जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो और करंट अफेयर्स के अंदर कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं देखिए बहुत तो आपके लर्निंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं बट बहुत सारे क्वेश्चंस आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड भी क्लैट डाल देता है जिसमें वो देखता है कि क्या आपको समझ है कि वर्ल्ड में चल क्या रहा है ठीक है ना डरते वाले क्वेश्चन आपके वो होंगे जिससे मुझे अच्छा बताओ ये अवार्ड किसको को मेरा ये गवर्नमेंट स्कीम क्या कहती है ये तो लर्निंग वाले हैं बट कभी कभी वो आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर भी मान ली जब वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताओ टर्की कि किसकी साइड है रशिया की साइड लगता है या किस मतलब एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड वाले क्वेश्चन भी आप ईजिली बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हो एंड अगर आप कह रहे हो कि मैं डायरेक्टली मैगजीन डायरेक्टली मैगजीन या कोई यूट्यूब चैनल फॉलो कर लूँगा बिना न्यूज़ पढ़े तो जो प्रॉब्लम आपको आने वाली है वो ये आने कि आप इतना ज्यादा याद कैसे करोगे एकदम से आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी चीजों की और सब कुछ रट्टा मारना इज नॉट ईजी तो इसलिए अगर आप थोड़ी थोड़ी न्यूज हर रोज पढ़ोगे तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा अगर आप न्यूज़पेपर को न्यू हो आपसे नहीं पढ़ा जा रहा है तो आप मेरी हेल्प ले सकते हो एग्ज़ाम आयर पर हम हर रोज़ न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं एक साथ करते हैं पेपर को रीड करते हैं उसमें से जो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी के वर्ड्स हैं वो भी मैं आपको समझा देती हूँ और न्यूज़ भी समझा देती हूँ तो आप वो देखना तो मिनिमम स्टार्ट करें सिक्स टू सेवन क्लास होती है अगर सिक्स टू सेवन आप फ्री नहीं होते हो सिक्स टू सेवन पी आप फ्री नहीं होते हो तो आप आगे पीछे वो क्लास देख लीजिए करिए जैसे आप अगले दिन सुबह उठ पिछले दिन की क्लास देख बट वो क्लास जरूर देखें वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्कुल फ्री के अंदर वो क्लास होती है और जो मार्क न्यूज पेपर है उस क्लास के अंदर आपको वो भी अवेलेबल करवाया जाता है राइट तो स्टेप वन रीडिंग न्यूज अगर आप खुद से न्यूज पढ़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है आप स्क्रीन जो हैं देखिए पूरा का पूरा न्यूज नहीं पढ़ना होता सिर्फ इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स पढ़ने होते हैं जो इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं वो मैं अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती हूँ एट आई एम लॉगरीप के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है एंड हम उसको अपनी वेबसाइट पे भी पोस्ट करते हैं जो कि है डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट म तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं नेक्स्ट इज वी एक्सप्लेन दिंदू एवरी डे ऑन आर चैनल होता है ये ओके प्रॉब्लम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड न्यूज पेपर वॉट टू डू ये मैंने बता दिया है तो डोंट स्टॉप रीडिंग द न्यूज पेपर ठीक है देखो पहली बार में आपको न्यूज क्यों नहीं समझ में आती बिकॉज हमें उसका बैकग्राउंड नहीं पता होता ठीक है ना नो no डाउट मैं अपनी जो क्लास लेती हूँ उसमें मैं आपको बैकग्राउंड बहुत अच्छे तरीके से समझा देती हूँ बट अगर खुद से पढ़ रहे हो तो आपको खुद से बैकग्राउंड रिसर्च करनी पड़ेगी आई नो वो डिफिकल्ट है इसलिए आप मेरा एनालिस जरूर सुने अगर आप टाइम निकाल सकते हैं तो न्यूज़पेपर खुद से भी रीडिंग करें एंड प्लस एनालिस भी सुन ले analysis जो है वो फ्री टाइम में जब आप गाने सुनते हैं तब मेरी आवाज़ सुन ठीक है इतनी बुरी भी नहीं है तो ये मैं कहूँगी ये इतनी मेहनत न्यूज के लिए आपको करनी पड़ेगी ठीक है देखिए हर रोज आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है ठीक है न्यूज़पेपर हो गया हर रोज प्लस आपको एक चीज करनी है वो है स्टेप टू जो है वो है रीडिंग और मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन के बेनिफिट्स क्या है देखिए एक तो वो अच्छी बैकग्राउंड रिसर्च हमें करके दे देते हैं जो कि हमारे लिए क्लैट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है ना बैकग्राउंड रिसर्च हमें करके दे देते हैं उसके बाद दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते ठीक है ना आप कह रहे हो मेरे पास हैंड रिटन नोट्स बनाने का टाइम नहीं है या मेरे से बनते नहीं है तो आप इन मैगजीनस को ट्रीट देम एज नोट्स ठीक है आप अंडरलाइन करिए ठीक है जो ऐड करना है वो ऐड कर लीजिए तो यू कैन ट्रीट देम एज योर नोट्स ठीक है जो आपके आई एस रिजन और दृष्टि आई एस में से कोई भी एक है अब आप पूछेंगे विच इज बेस्ट इज द बेस्ट मैगजीन ये क्वेश्चन पूछेंगे मुझे पता है है ठीक ना तो बेस्ट मैगजीन इनमें से देखिए अभी आपके पास टाइम है अगर सिक्स मंथ्स पढ़े हैं जो कि पढ़े हैं जो वीडियो देख रहे हैं बच्चे ठीक है सिक्स मंथ्स हैं तो दृष्टि आई के लिए जाइए इसके दो एडिशंस आते हैं एक मंथ के अंदर ठीक है ना टू एडिशंस फॉर वन मंथ ठीक है और अगर टाइम कम है मान लीजिए फाइव मंथ्स ही रह गए हैं जब आप ये वीडियो देख रहे हो या फोर मंथ्स रह गए थ्री टू वन फिफ्टीन डेज रह गए तो आई थिंक आई एस विजन के लिए जाएंगे क्योंकि वहाँ पे सिर्फ आई एस विजन का वन एडिशन ही होता है वन मंथ के लिए ठीक है ना तो टाइम कम है तो आई एस विजन के लिए जाइए नहीं तो दृष्टि आई एस भी एक अच्छी मैगजीन है अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊँ कैसे दृष्टि आई एस आई एस विजन में से पढ़ना है तो कॉमेंट डाउन करो ठीक है तो दृष्टि आई एस और आई एस विजन क्या कोई भी एक मैगजीन आप करिए बिकॉज ये बेनिफिट मिल जाता है एंड प्लस अगर कुछ न्यूज़ होते हैं मैंने बताया था ना कि आपको 80 टू 85 परसेंट हमारी जो न्यूज़ है वो न्यूज़पेपर में से कवर हो जाती है ठीक है बट हमारी जो बाकी की न्यूज़ है बच्ची खुची न्यूज़ जो हमारी होती है कह लीजिए फिफ्टीन जो न्यूज़ है वो हमारी जो है दूसरी सोर्सेज पर भी आती है कोई वेबसाइट है कुछ है तो बहुत बच्चे आपको कहेंगे कि ये मैगजीन ये करंट अफेयर्स फॉलो करो ये फॉलो करो इधर फॉलो करो, करो उधर करो मैं आपको कहूंगी कि बेस्ट है कि एक मैगजीन फॉलो करो एक और न्यूज़पेपर के साथ साथ तो उसमें आपकी जो एक्स्ट्रा न्यूज है वो कवर हो जाती है एक्स्ट्रा न्यूज मैं आपको अपने चैनल पे भी कवर करवाती हूँ यूट्यूब पे भी बट वो मैं अपने एंड पे करी हूँ वो आप एज एन एक्स्ट्रा देखेंगे वहां पे भी अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल गया तो आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए बट इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है बहुत बच्चे सिक्स सिक्स सेवन सेवन या तीन, तीन तीन चार चार जगहों से करंट अफेयर्स बैठते हैं इट इज़ ओनली गोइंग टू लीड टू कन्फ्यूजन अगर आप न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ रहे हैं प्लस अगर आप ये मैगजीन्स फॉलो कर रहे हैं दृष्टि आई एस या फिर और लिख रही हूँ एनी वन इज इनफ ठीक है ना तो वो बहुत सही रहेगा और एक और बात जब आप न्यूज पर पढ़ने आते हैं मेरे साथ एग्जाम पे तो आप ट्राई करिए कि आप अपने साथ एक रफ नोटबुक रखें और उसके अंदर नोट्स बनाएं चाहे आप उन नोट्स को कभी भी रेफर ना करें दोबारा बट अगर आप लिख कर समझेंगे और ट्राई करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लिखें तो एक तो आप उस टाइम पे बहुत कुछ लर्न कर पाएंगे और इन केस आप जब डिस्ट्री आई एस और आई ए एस विजन पढ़ रहे हैं तो कभी कभी, कभी क्या आपको लगेगा कि न्यूज़पेपर में ये वाली चीज़ ना ज़्यादा क्लियर थी तो आप अपने वो रफ नोट्स को रेफर कर सकते हैं ठीक है ये वाला आइडिया बहुत ही अच्छा है बिकॉज ये आपको लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग दोनों में हेल्प करेगा ठीक है बात करते हैं स्टेप थी की दैट इज हैविंग नोट्स टू रिवाइज फ्रॉम तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि नोट्स जो है मैगजीन को भी आप नोट्स ट्रीट कर सकते हैं बट जो ये सबसे बड़ी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं अगर जो फ्लैट ट्वेंटी ट्वेंटी टू के एस्परेंट्स भी है जिनका एग्जाम अभी होने वाला है उनकी सबसे बड़ी जो मिस्टेक मोस्टली बच्चों ने कमिट करी है वो ये करी है कि उनके पास नोट्स नहीं है ठीक है ना अब देखिए जो करंट अफेयर्स है ना अगर आपको लगता है कि करंट अफेयर्स आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो आपको तभी सब कुछ याद हो जाएगा तो फर्स्ट टाइम में नहीं याद होता तो कैसे याद होता है आपको बार बार रिवाइज करना पड़ता है आप कहाँ से रिवाइज करेंगे न्यूज को संभाल कर रखेंगे या कैसे रिवाइज करेंगे बार बार वीडियोज देखेंगे नहीं आपको रिवाइज करने के लिए चाहिए ठीक है ना तो नोट्स दो टाइप के हो सकते हैं या तो आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए जब मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस करती हूँ एग्जाम आर पे तब साथ साथ आप न्यूज़पेपर एनालिसिस के नोट्स बनाते रहिए क्योंकि वहां पे मैं बता देती हूँ कि ये नोट करना है ये नहीं करना और जो मैगजीन है उसमें से भी जो एक्स्ट्रा न्यूज आपको मैगजीन की मिलते हैं वो भी आप अप अपने हैंड रिटन नोट्स में ऐड कर लीजिए एक तो ये है अब क्या ये मैंडेट्री है देखिए नोट्स बनाने मैंडेट्री नहीं है अगर आपको लगता है आपके पास इतना टाइम नहीं है या आप इतना नहीं कर पाएंगे तो आप मत करिए बिकॉज नोट्स के अंदर कंसिस्टेंसी आपको हर रोज़ नोट्स बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर आप करें एक दिन नोट्स बना लिए दूसरे नहीं बना लिए तो कोई फ़ायदा नहीं एक महीना बना लिया दूसरे नहीं बनाए तब भी कोई फ़ायदा नहीं है ये आपको रेगुलरली करने ही पड़ेंगे जो हमारी ड्यूरेशन इम्पॉर्टेंट है ठीक है ना न्यूज़ की उतने में करना ही पड़ेंगे दैट इज़ जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक पूरा करना पड़ेगा तो अगर आपको लगता है ये नहीं हो सकता तो आप ये रहने दीजिए इंस्टेड आप क्या करिए आप अपने करंट अफेयर मैगजीन को ही एज नोट स्ट्रीट करिए यहाँ पर ही आप मार्क करिए यहाँ पर ही आप अंडरलाइन करिए और यहाँ पर ही आप पोस्टर चिपका कर जो ऐड करना है वो ऐड कर लीजिए पॉइंटर्स नोट करिए जो भी आपको लग रहा है कि हाँ अगर ये मेरा दस लाइन लाइन है यहाँ पर एक पैराग्राफ है पूरा बड़ा बट इसमें से सिर्फ फोर टू फाइव पॉइंट निकलता है वो आप साइड पर लिख सकते हैं ताकि क्विक रिविजन हो सके जो रिविजन है वो क्विक हो सके ठीक है क्लियर है ये वाली बात अब उसके बाद बात करते हैं मिस्टेक्स फॉलोइंग वीडियोस एंड नॉट हैविंग प्रिंटेड और रिटन नोट्स ठीक वीडियोस फॉलो करना कोई बुरी बात नहीं है चाहे आप एग्जाम आर पे कर रहे हैं लॉगरी पे कर रहे हैं बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपका ओनली सोर्स वीडियोस है तो आप उसके नोट्स भी बनाएं ठीक है और अगर आप उसके पीडीएफ पाए कर रहे हैं तो उनको भी पढ़ें अंडरलाइन करें ठीक है बार बार वीडियो में से आपकी रिविजन नहीं हो सकती ये इम्पॉसिबल है तो प्रिंटेड या हैंड रिटेड नोट्स होना जरूरी है दूसरी मिस्टेक

प्लस जो एक्स्ट्रा न्यूज मैं कवर करवाऊंगी एग्जाम आर पे आप वो देख सकते हैं बट ये भी एक्स्ट्रा है ये भी मैंडेटरी नहीं है अगर आप चाहें तो देखें व्हाट इज मैंडेटरी नॉट मैंडेटरी व्हाट इज दिस इज मैंडेटरी ठीक है दिस इज मैंडेटरी रीडिंग अ मैगजीन एंड अटेंडिंग द टेस्ट ऑफ एग्जाम आयर इज मैंडेटरी नथिंग एल्स और जो मंथली टेस्ट है वो भी अटेंड करें ठीक है अगर आपको एक्स्ट्रा न्यूज सुननी है एग्जाम आयर पर तो आप सुन सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि जो चीज़ समझाई है वो अच्छे से समझ जाएंगे बट और कोई ना तो ऑनलाइन वेबसाइट ना कोई मैगजीन आपको उसकी जरूरत नहीं है दिस इज मॉडर्न दर्न इनफ ठीक है ड्यूरेशन ऑफ द न्यूज पे क्वेश्चन मैं स्पेसिफिकली ले रही हूँ बहुत बच्चों का होता है जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 की न्यूज मतलब दिसंबर में जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे और मैगजीन्स फॉलो करते रहेंगे अब बच्चों का क्वेश्चन आता है बैकलॉग पे ठीक है बैकलॉग मतलब पिछली न्यूज़ ठीक है अब मैं कर रही हूँ कि जून से जून 2022 से आप न्यूज़पेपर पढ़ना लग जाएंगे अगर ये वीडियो सेकेंड थर्ड जून को भी जाता है तो फर्स्ट सेकेंड का न्यूज़पेपर पढ़िए जून का तो पूरा पूरा आप न्यूज़पेपर पे डिपेंड होने चाहिए हो ठीक है एग्जाम आर पे न्यूज पेपर सुन लेना और कुछ नहीं तो ठीक है जून अब हमारी बात रह जाती है जैन से लेकर मे ट्वेंटी क्या करें उसके लिए आप मैगजीन ही फॉलो करें या तो आई एस वजन या फिर दृष्टि आई एस और हाँ आई एस वर्जन और दृष्टि आई एस जो है वो फ्री मैगजीन्स है उसके लिंक्स मैं दे दूंगी बट आपको इसके प्रिंट आउट्स आपके पास होने चाहिए ठीक है प्रिंट आउट्स निकलवाइए ओके okay, बात करते हैं इंग्लिश की तो इंग्लिश में आपके टॉपिक्स कौन से देखिए इंग्लिश के अंदर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज द मेन टॉपिक मतलब ओनली मेन टॉपिक हमारा इंग्लिश है ठीक है ना रीडिंग uh, कॉम्प्रीहेंशन है तो रीडिंग कॉम्प्रिंशन के लिए कैसे करना है स्टेप वन जो आपका है वो है अंडरस्टैंडिंग हाउ हाउ टू सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो पैसेजेस में पूछे जाते हैं वो कैसे सॉल्व करते हैं ये हमें पता होना चाहिए ठीक है तो ये हम पढ़ लेंगे ये थ्योरी है आपकी अब आप, आप, ये थ्योरी के अंदर हमने यही समझना है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं अब देखिए जो स्कूल के अंदर भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पैसेजेस वाले वो डिफरेंट होते हैं बिकॉज वहाँ पर हमें मोस्टली आंसर्स ढूंढने होते हैं यहाँ पर हमें एनालिस करना होता है तो क्वेश्चन जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं तो कहाँ से कवर कर सकते हैं देखिए दो चीजें हैं। अरुण शर्मा की बुक आती है आई नो कैट का जो लेवल है वो क्लैट से ऊपर है बहुत ऊपर है बट आप अगर एक अच्छा लेवल सॉल्व करके जाते हो तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है और क्लैट के लेवल की बुक्स अभी नहीं मिल रही है मार्केट में तो ये कैट के लेवल की बुक है मतलब एम के एग्ज़ाम की बुक है मैं ट्राई करती रहती हूँ कि कोई नई बुक मिल जाए अगर अभी भी मुझे कोई नई बुक मिलेगी तो आई विल टेल यू गाइफ फॉर श्योर चैनल पे ही स्पेशली आपके बताऊंगी कि हाँ ये बुक अच्छी है ठीक है उसके बाद आप एक फ्री पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा मेरी वेबसाइट पे दट इस डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट लॉ डॉट कॉम तो वहाँ से भी आप जो है क्वेश्चंस ये जो पीडीएफ डी है आपको मिल जाएगा ठीक है ना रीडिंग रीडिंगशन वहां से भी कवर कर सकते हैं तो स्टेप स्टेप में समझना समझना है है के अंदर जो हमने समझना है, वो क्या करना है वो है अपलाइंग थ्योरी बाय प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको पहली स्टार्टिंग में समझा दिया था कि प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करोगे कि आंसर करेक्ट आए और जैसे ही आपके क्वेश्चन के आंसर्स करेक्ट आने लग जाए तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करें और टाइम मैनेजमेंट पे जो हमने फोकस करना है वो ये करना है कि हम थर्टी मिनट्स के अंदर जो हमारा थर्टी uh, मिनट्स के अंदर जो हमारी फाइव आर सीज़ नॉर्मली आते हैं वो हमारे सॉल्व हो जाए ठीक है ना एम क्या है सॉल्विंग फाइव आर सीज इन थर्टी मिनट्स तो हमारी स्पीड होनी चाहिए एक्यूरेसी होनी चाहिए और ये बन जाती है अगर आप अपनी जो है इसी तीन स्टेप्स को फॉलो करेंगे ठीक है इंग्लिश के अंदर आपको जो एक और टॉपिक कंप्लीट करना है वो है आपका फिगर्स ऑफ स्पीच तो फिगर्स ऑफ स्पीच में से आपको चार से पांच क्वेश्चंस आ जाते हैं तो फिगर्स ऑफ स्पीच जो है वो आप यूट्यूब से कवर करिए यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस करी हुई है उसमें से कवर करें उसके नोट्स बनाएँ उसकी प्रैक्टिस भी ऑनलाइन ही कर लें ठीक है तो फिगर्स ऑफ़ स्पीच भी आपको एक टॉपिक जो है वो इंग्लिश के अंदर कवर कर कर जाना है अब यहाँ भी मैं बात करना चाहती हूँ वो की ठीक है ना बहुत लोग कहते हैं दी वो कैबलरी कैसे इंप्रूव करें हम अपनी देखिए वो आप जो है बहुत बच्चे पढ़ते हैं नॉर्मन लुइस वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस ठीक है मैं आपको ये बुक इस टाइम पे तो बिल्कुल नहीं बिकॉज अगेन जो है वो आपकी न्यूज़पेपर में से बहुत से बहुत बढ़िया तरीके कवर हो सकती है तो न्यूज़पेपर के अंदर से जो न्यू वर्ड्स आपको मिलते हैं उन न्यू वर्ड्स को अपनी नोटबुक में लिखें एक नोटबुक लगा लें उन न्यू वर्ड्स के मीनिंग देखें ठीक है और याद करने की कोशिश करें इनको बार बार रिवाइज करें न्यू वर्ड्स को वीकेंड्स पे तो ये एक जो है ये बेस्ट वे है इसके ऊपर मैंने वीडियो भी करी हुई है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस टाइम पे इस बुक के लिए जाने का कोई मतलब नहीं बनता है बात करते हैं क्रिटिकल लॉजिकल रीजनिंग के मैक्सिमम पेपर इसमें से ही आता है ठीक है और जो टॉपिक्स आपके हैं वो होते हैं लॉजिकल रीजनिंग के और उसमें है पजल टेस्ट अब देखिए यहां पर समझने की जरूरत है तो ट्वेंटी ट्वेंटी में क्लैट का पैटर्न हुआ था चेंज ठीक है ट्वेंटी ट्वेंटी में पजल टेस्ट वाले टॉपिक में से एक क्वेश्चन एक पैसेज आया था तो क्लाट का पूरा पेपर पैसेज बेस्ड होता है अगर आप बिल्कुल न्यू है क्लार्ट को मतलब आपने अभी अभी सुना है क्लार्ट देखा नहीं है कि पेपर क्या होता है कैसा होता है तो मैंने एक वीडियो करी है एवरी थिंग अबाउट क्लाट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर नो डाउट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर की वीडियो है वो वीडियो आपको पूरी क्लाट की इंट्रोडक्शन दे देगी ये क्लाट है क्या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वो चेकआउट कर लेना तो ट्वेंटी ट्वेंटी के अंदर वन पैसेज आया था मतलब अराउंड फाइव क्वेश्चन आपके आए थे इस टॉपिक में से इसमें से फाइव क्वेश्चन ट्वेंटी ट्वेंटी वन में से कोई नहीं आया इस टॉपिक में से ट्वेंटी ट्वेंटी और ट्वेंटी ट्वेंटी वन में जो स्टार थे वो ये ही थे ठीक है ना कौन से अजम्शंस तो हमारा मेन फोकस जो है जो हमारा मेन फोकस है वो इन टॉपिक्स पे होगा पहले हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे एंड फिर अगर हमें टाइम मिला तो हम इस टॉपिक पे जाएंगे ठीक है ना अब इस टॉपिक को कवर करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक बुक लेनी पड़ती है बट जो ये वाले टॉपिक्स हैं वो एम पांडे या विली में से हो सकते हैं हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे और डब्ल्यू पे भी आपको एक फ्री पी मिल जाएगा वहाँ से भी आप चाहें तो कवर कर सकते हैं बट जब फ्री पी में से पढ़ रहे हो तो नोट्स बना लेना अपने ताकि आपके पास रिविजन के लिए ठीक है ना अब दो बुक्स हैं दोनों में में से कौन सी अच्छी पांडे आपको बेसिक लेवल का मिलेगा ठीक है ना अगर आप कह रहे हो कि मेरे से दो बुक्स नहीं पढ़ी जाएंगी तो आप एमके पांडे क्रॉस कर दें और सा, सा, सीधा विली पे जाएं क्योंकि विली जो है आपको एडवांस लेवल की है और इसमें बेसिक्स भी कवर हो जाते हैं ठीक है ना तो एम के पाने आप आउट कर दीजिए और विली पे डायरेक्टली जाइए टू कवर दीज टॉपिक्स ये वाले मैं कलर चेंज करके बताती हूँ ये वाले टॉपिक्स जो हैं आपको यहाँ से कवर करने हैं पजल टेस्ट के लिए जो आपको लेना है बुक वो है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल वर्बल रीजनिंग की भी ले सकते हैं अकेली वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल की बुक जो है वो आप बाय कर लीजिए ठीक है ना तो ये आपको अभी बाय नहीं करनी है देखिए ये विली तो बाय कर लीजिए अभी ठीक है बट जो आपकी पज़ल टेस्ट है जो आपकी वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल है ये वाली जो बुक है वो आप बाद में कभी बाय करें जब आपका सिलेबस हो जाए ठीक है जो क्रिटिकल रीजनिंग है या फिर जो लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट है ये वाला पार्ट है ये न्यू पार्ट है नो डाउट अबाउट दैट ये हमने पहले नहीं पढ़ा होता है बट अगर आप इसको अच्छे से फोकस के साथ पढ़ोगे तो ये आपको बिल्कुल बिल्कुल समझ में आएगा ठीक तो है डाटा इंटरप्रिटेशन ठीक है ना तो ये बेसिक मैथ्स आता है हमारा क्या आता है बेसिक मैथ्स आता है हमारा ठीक है तो स्टेप वन हमारा क्या रहेगा सॉल्विंग बेसिक मैथ्स तो सॉल्विंग बेसिक मैच कहाँ से अब बहुत बच्चे कहते हैं कि अरे एनसीआरटी सॉल्व कर लेते हैं ठीक है एनसीईआरटी में से स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं ठीक है बट अगर आप थर्टी डेज वंडर बाय एस चंद सॉल्व कर लेते हो तो आपको एनसीआर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है तो मैं आपको कहूँगी कि आप इसी बुक के लिए जाएँ ये इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि इसके अंदर आपको शॉर्टकट्स बताए हुए हैं ऐसा लगता है एक टीचर आपको बता रहा है कि ये शॉर्ट कट्स है ये फॉर्मूलाज हैं ये ऐसे होगा तो ये एक अच्छी बुक है इसमें से आप बेसिक मैथ सॉल्व करें एंड फिर नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है ये बुक सॉल्व करना और सेकेंड स्टेप क्या है ओलि बोर्ड की बुक आती है वो आप ऑलिव बोर्ड की बुक आती है उसमें से आप डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन सॉल्व करें तो डाटा इंटरप्रिटेशन

ठीक है ट्रिग्नोमेट्री का जो आपका टॉपिक है आपको वो नहीं सॉल्व करना है कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स और हैं अभी मेरे पास बुक नहीं है जैसे ही मेरे पास बुक आती है ना मैं कमेंट सेक्शन में मार्क कर दूंगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको टॉपिक्स नहीं करने, एक तो ट्रिग्नो नहीं करना है फॉर तो श्योर ठीक है तो इसमें से डाट ऑलिव बोर्ड में से आपको पाए चार्ट बार डायग्राम बार ग्राफ टेबलो डायग्राम लाइन ग्राफ ये पांचों ही चैप्टर्स आपको सॉल्व करने हैं ऑलिव बोर्ड में से ठीक है और ओनली लेवल वन सॉल्व करना है डाटा इंटरप्रिटेशन की बुक में से ऑलिव बोर्ड में से क्लियर है ये बात बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स की देखिए जो मैंने अभी तक टॉपिक्स डिस्कस किए हैं आपके साथ वो बहुत इंपॉर्टेंट है 99.9% एग्जाम में आएंगे बट कुछ चांसेस हैं कि क्या पता गलती से ये टॉपिक्स आ जाएं ठीक है ना तो इनको आपने तब करना है जब आपका सारा सिलेबस खत्म हो गया और आपके पास टाइम है तो ये आपके फर्स्ट यू नो फर्स्ट गो टू टॉपिक्स नहीं हो सकते जैसे इंग्लिश की ग्रामर जिसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट टेंपोजेशन आर्टिकल्स आप कर सकते हैं ये कहां से करना है अगर आपके पास स्कूल की कोई बुक पढ़े उसमें से नहीं तो एस पी में से कर सकते हैं बट ये जरूरी टॉपिक्स नहीं है जरूरी ये है कि आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और फिगर्स ऑफ स्पीच अच्छे से करके जाए जो फिगर्स ऑफ स्पीच का आपका टॉपिक है वो आपको यूट्यूब से कवर करना है मैं आपको एक्सप्लेन करा ही हुआ है इंग्लिश वाले सेक्शन में लॉजिकल रीजनिंग

तो आप मिशन 1.5 और मिशन 2.5 ठीक है मिशन 1.5 क्या है कि सिक्स मंथ्स की जीके तो फॉर शोर sure, ये तो मैंडेटरी ही कहते हुए हैं कि अगर आपकी हॉलीडेज हैं इतना टाइम तो जरूर निकाल ले कि जो सिक्स मंथ्स की जीके है मतलब जनवरी 2022 से लेकर के जो आपकी जून 2022 की जीके है वो डन हो जानी चाहिए मतलब इसमें कोई वो नहीं होनी चाहिए बस जून की आपकी मैगजीन रह जाए न्यूज़पेपर पूरा पढ़ो ठीक है जुलाई के अंदर आपको सिर्फ जून की मैगजीन पढ़नी रह जानी चाहिए जनवरी फेबर मार्च अप्रैल मई तक की पूरी मैगजीन खत्म कर दो अपनी जून की हॉलीडेज में तो हाफ तो आपका ये हो गया ठीक है और उसके बाद एक और चीज एक सब्जेक्ट मिनिमम एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर दो कोई भी सब्जेक्ट लीगल एप्टीट्यूड कौन से सब्जेक्ट्स में से कंप्लीट करो लीगल एप्टीट्यूड करो या तो लॉजिकल रीजनिंग करो या फिर इंग्लिश इन तीनों में से एनी वन सब्जेक्ट खत्म कर दो ठीक है ना तो आपका 1.5 होगा और अगर आप दो इन तीनों में से कोई भी एनी टू सब्जेक्ट्स कर देते हैं तो तो बल्ले बल्ले हो जाएगी ठीक है ना क्योंकि 2.5 पॉइंट सब्जेक्ट्स आपके हो गए और फिर बस आपके 2.5 पॉइंट सब्जेक्ट्स रह जाएंगे जिसमें से एक मैथ्स होगा आधी करंट अफेयर्स होगी और एक कोई भी तो अगर तो आप ये वाला मिशन फॉलो करना चाहते हो तो मैंने एक वीडियो करी है मिशन 2.5 मिशन 1.5 उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा उसको जरूर देखें बिकॉज उसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन मैं कैसे करना क्या करना है तो वो चेक कर लें अगर वो फॉलो कर रहे हैं तो आपका ऑब्वियसली एक मैं कर रही करूँ एक टॉपिक हो जाएगा या तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन या लीगल एप्टीट्यूड में से तो जो बच बचा हुआ है वो जुलाई में एक सब्जेक्ट खत्म करें एक सब्जेक्ट आप अगस्त में उठाएं ठीक है उसके बाद सितंबर के अंदर मैथ्स और डाटा इंटरप्रिटेशन आप कर सकते हैं ठीक है ना ये वाला आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं और फिर उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर में रिविजन कर सकते हैं मतलब आपकी सीक्वेंस जो है वो ये रहेगी एंड ट्राई करिए कि आप अक्टूबर तक यहाँ तक भी अगर ये अभी रिविजन नहीं भी करनी तो यहाँ तक मैक्सिमम कम्प्लीट uh, करने मतलब यहां तक सारा कंप्लीट द सिलेबस ट्राई करें और फिर नवंबर के अंदर मतलब कम से कम वन मंथ तो दें अपनी रिवीजन को ठीक है ना इतना मिनिमम मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूं अगर डे टू डे स्केड्यूल चाहिए तो वो भी डिस्कस करेंगे जिसमें मैं एज्यूम कर रही करू कि मिनिमम थ्री टू फोर आवर्स आप अपना फ्लैट uh, को दे रहे हो आने वाले सिक्स मंथ्स में चलिए डिस्कस करेंगे डे टू डे शेड्यूल अगर हम डे टू डे शेड्यूल की बात करें जून से तो रीडिंग द हिंदू एवरी डे आप वन आवर तो देख ही रहे हो मिनिमम और जो मेरा एनालिसिस है वो एक्स्ट्रा आप सुन रहे हो जब फ्री टाइम है जब वॉशरूम में बैठे हो इधर उधर भटक रहे हो टीवी देखने की बजाय एनालिसिस सुन लो ठीक है ना वो आपका इन थ्री आवर्स में नहीं आएगा थ्री टू फोर आवर्स में आप अपनी पढ़ाई ये जो है वो करो ठीक है उसके अंदर अगर आप वेकेशन नहीं है आपकी ठीक है ना तो आप सिर्फ दो घंटे ही दे सकते हो वेकेशन में से में भी तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो ख़त्म कर दीजिए बिकॉज इंग्लिश जो है फिर आपकी खत्म हो जाएगी एक सेक्शन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करें जुलाई के अंदर फिर उसके बाद क्रिमिनल लॉ फिर कॉन्ट्रैक्ट टॉट्स एज्पन आर्ग्यूमेंट इन्फ्रेंस कंक्लूजन उसके बाद मैथ्स और डाटा इंटरप्रिटेशन करें यहाँ पर मैं फिगर्स ऑफ स्पीच ऐड करना भूल गई तो फिगर्स ऑफ़ स्पीच भी आप जून के अंदर ही कर लें ठीक है ना जून के अंदर आप फिगर्स ऑफ स्पीच और रीडिंग कॉम्प्रीहशन दोनों कर लें ट्वेंटी ट्वेंटी टू जून में ठीक है उसके बाद मैथ्स और डाटा इंटरप्रिटेशन रह जाएगा आपका अक्टूबर नवंबर के लिए एंड फिर आपके पास नवंबर का टाइम रह जाएगा और दिसंबर के मतलब थर्टी डेज निकलेंगे आपके रिविजन के लिए ठीक है और अगर आप ये बिल्कुल शेड्यूल फॉलो करें बट अगर जून में वैकेशन हैं तो उनका अच्छा खासा यूज़ करें जितना भी एक्स्ट्रा टाइम आप दे सकते हैं वो दे मैंने उसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो करी है कि अगर आप टू आवर्स एक्स्ट्रा दे सकते हैं वन आवर दे सकते हैं थ्री आवर्स फोर आवर्स फाइव आवर्स अनलिमिटेड दे सकते हैं तो वो कॉन्सेप्ट जून के लिए स्पेशली मैंने वहाँ पर समझाया है वो जरूर देखें लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा वीकेंड्स का प्रॉपर यूज़ कैसे करा जाए वीकेंड्स का देखिए वीकेंड्स में आई एक्सपेक्ट कि आप कम से कम फाइव टू सिक्स आवर्स दें और उन फाइव टू सिक्स आवर्स में जो डेली आप करते हैं वो तो करें ही और एक्स्ट्रा के अंदर लीगल करंट अफेयर्स की वीडियोस अगर लॉगरी पर आ गई हैं तो वो देख उनके नोट्स बना लें करंट अफेयर्स की जो मैगजीन है वो पढ़ लें ठीक है करंट अफेयर्स की मैगजीन को पेंडिंग कभी ना रखें जो आपने वीक में पढ़ा है वो रिविजन कर लें ये वाला पार्ट आप तब भी कर सकते हैं अगर बाय चांस ड्यूरिंग द वीक आपके पास कोई हॉलीडे आ गई है कोई एक्स्ट्रा मेरे स्कूल में कोई ऐसा पीरियड है जहाँ पे आप बिल्कुल फ्री बैठते हो उसको यूटिलाइज करिए तो टाइम जो है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है इवन अगर आपकी लंच ब्रेक 30 मिनट्स की है और आप खाना 20 मिनट्स में खा लेते हो ना तो 10 मिनट्स में आप मैथ के फार्मूला की रिवीजन कर लो बट आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ऐसे टाइम वेस्ट आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते ठीक है ना थिंग्स आई वॉन्ट यू टू डू आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो सबसे पहले तो एक कम्पलीट प्लान बनाए हाउ टू प्लान वाली वीडियो देख लें प्लानर कैसे सेटअप करना है वो देखें आपका मंथ बाय मंथ पहले ईयरली प्लान होना चाहिए जो ये सिक्स मंथ है उनका प्लान और फिर वीक में क्या कवर करोगे एंड फिर डेली उस वीक में कैसे वो वीक वाला प्लान अचीव करोगे क्या क्या किस दिन करोगे स्टेइंग कंसिस्टेंट हर रोज पढ़ना ही पढ़ना है चाहे जो मर्जी हो जाए स्टेइंग मोटिवेटेड ठीक है मोटिवेशन भी बहुत जरूरी है डर को भगाना आना चाहिए उसके लिए जर्नल सेटअप करें अगेन